करती हूँ अच्छा मैं इसको रिकॉर्ड करती हूँ फिर दोनों लेक्चर्स में आपको भेज दूंगी आपने देख लिया एसएसटी ओके एसएसटी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया इसकी कोई प्रॉब्लम चलो गुड है आप फिर भी मुझे टेस्ट करके एक दिखाएंगे अभी दिखाऊं के बाद में मैं आपको मैं फोटो भेज दू हाँ बाद में फोटो दे, भेज देना मुझे ठीक है ओके ओके बात बस बात तो समझ आ गई ना हाँ आगे भी ठीक है गुड है अच्छा और नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट मैं आपको में स्क्रीन शेयर करती हूं मैं आपको एक्सेस दे दूं दिख रहे हैं मैं आप, आप मेरी स्क्रीन दिख रही है एक नहीं ओके वेट मैं अब दिख रहे है एक से आ रही हाँ अब आ गई okay. बताए कि इसमें अच्छा रीड अलाउड का आपने मोबाइल पे प्रैक्टिस करना फिर मुझे बताना हाँ ठीक है मैम करूंगा अच्छा वो एसएसटी का तो प्रॉब्लम हो गया वो आप फिलिंग द ब्लैंक्स लिसनिंग और वीएफडी में वो स्पेलिंग की मिस्टेक बहुत हो रही है देखिए वो आपके ऊपर होगा ना आपको स्पेलिंग आती है कि नहीं आती है वो तो जाहिर सी बात है वो है जो आपका स्किल है ठीक है आप मुझे कोई एक दिखाएं मैं देखूं उसमें और भी बहुत से जो दो तीन मिस्टेक्स आपने छोटी-छोटी की होंगी मुझे दिखाएं हाँ तो आपको, आपको ये पता है कि कहाँ एस यूज करना है कहाँ नहीं करना और दूसरा कहीं कैपिटल का भी आ रहा होता है और तीसरा क्या आप सारी नोट कर लेते हो ब्लैंक्स हाँ हाँ कर लेता हूँ ओ, 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 क्या नजीक नजीक में होती है ना तो नहीं हो रही है लेकिन थोड़े थोड़े गैप में होती है तो कर लेता हूँ तो आप कैसे उसके अंदर टाइप करते हो या लिखते हो मैं मेरे बुक्स में लिखता हूँ आ, आप ना वो हाथ रखा करे एक हाथ से लिखा करे एक हाथ ना उधर ही लाइन को फॉलो करते 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 लिखा करे पहले ना जब पैराग्राफ शुरू होता है तो पहले पैराग्राफ को देख लो कि कहां, कहां पे ब्लैंक्स है ठीक है तो आपके माइंड में हो okay. फिर जैसे जैसे आप लिख रहे हो ना ये स्कोर इन्फो वाला दिखाओ मुझे हाँ ठीक है आप इस तरह दिखा रहे हैं पैराग्राफ नहीं दिखा रहा पैराग्राफ तो हुक में गो टू पेशेंट में जाता हूं अच्छा चले देखिए 179 है ना 179 खोल के दिखाऊं जैसे मैं आपको पैराग्राफ 1 उसमें जाएं हां वहां 179 कोई भी एक खोल ले हां अब जैसे ये ना अब हाथ रखा करें उंगली रखें जैसे लेफ्ट हैंड है ना लेफ्ट हैंड का फसा साथ-साथ हाथ रखते जाओ और आपने पहले एक दफा देख लिया अच्छा ब्लैंक्स कहाँ कहाँ पे अच्छा ये 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 यहाँ पे ब्लैंक्स है ठीक है साथ साथ हाथ रखते जाओ और अपना कोशिश करो कि आपकी उंगली उसके साथ जा रही हो जो वो लेटर है तो वो लेटर है ना रफ सा लिख लो ठीक है और फिर फिर आपको उसके बाद तो अच्छी खासी ब्लैंक पे फर्क है फिर दूसरी पे हाथ साथ साथ हाथ रखो आपका कॉन्सेंट्रेशन नहीं टूटना चाहिए और आप ये भी लिख लिया करें कि वो सिंगुलर है या फ्लोरल है लेकिन मैं क्या करता हूँ देख के इसके द गवर्नमेंट ऑफ स्पेनिश और शुरू होता है ना हुँ. तो मैं मेरी बुक में मेरे बुक और पेन में रखता हूँ और मैं एच से वो जो बोलता हूँ मैं लिख लेता हूँ हाँ, और से... कभी कभी इसमें लिख लेता हूँ लेकिन कभी कभी वो सिंगुलर प्लुरल में प्रॉब्लम हो जाता है और कभी स्पेलिंग में वो ई का वो ई का हो जाता है तो प्रॉब्लम स्पेलिंग तो, तो देख आपको ठीक करनी पड़ेगी ना आपकी अभी जो जो आखिरी होता है ना ब्लैंक उसको आप कॉपी में ना लिखा करें क्योंकि वो आखरी है ना, तो वो आखिरी है तो इसके अंदर टाइप कर लिया करो मैं हमेशा क्या करती थी आखिरी तो पेन छोड़ देती थी ये बोल दिया ना आप लिख दिया मैंने आखिरी का पेन छोड़ दिया पेन छोड़ दिया और इसी के अंदर ही टाइप कर दिया आप स्पेलिंग का स्पेलिंग का तो देखो आपने कोई प्रैक्टिस किया हो तो दिखा उसमें तो आपको अपना खुद ठीक करना पड़ेगा ना ओके मैम मैंने इतनी बार किया था तो एक बार तो चार में से एक ही आया और दो तो बार बेहतर तो, तो, तो हुआ ना से इम्प्रूव तो हुआ ना तुम दिखाओ क्या इंप्रूव हुआ कॉन्ट्रोडिक्टेड इंक्वायरी अरेस्ट एक्सटेंसिव कॉन्ट्रैक्टेड और इसका आंसर है जो देखते हैं ना इसमें जो अरेस्ट है वो भी कं, कं, कंप्लीट है ईडी पीछ, पीछे नहीं लगाए तो हाँ आपने गौर से सुना नहीं होगा ना इसके दो मार्क्स कट गए ना अरेस्टेड है ध्यान से दो और थोड़ा जुमले को भी ग्रामर भी समझो ना ऊपर चले देखे वो पास्ट में जुमला होगा अरेस्ट तो प्रेजेंट हो गया अरेस्टेड ऊपर okay. जाए इधर इसमें आता है अरेस्टेड हाँ स्पेनिश अथॉरिटीज हैव अरेस्टेड द जर्मन टर्किश राइटर हैव अरेस्ट नहीं होगा हैव अरेस्टेड होगा क्योंकि उन्होंने अरेस्ट कर लिया उसको तो सिंगुलर प्लुरल का भी तो होता है निक्कत होता तो है हो <laughs> मैं बार -बार जल्दी का काम शैतान का होता है तो जल्दी करेंगे तो ऐसे नहीं करना यही तो असल चीज है एस डी सिंगुलर प्लुरल प्रेजेंट फ्यूचर यही तो असल देखना चाह रहे हैं कि आपकी लिसनिंग पावर कितनी अच्छी है और दूसरा और भी चीज आपने ख्याल रखना होता है कि अगर कोई ब्लैंक ऐसा है जो फुल है तो वहाँ कैपिटल लेटर्स लिखने होते हैं। बस एक ही प्रैक्टिस और, और प्रैक्टिस तो बहुत सारी की है मैंने the blanks की। मैं। हाँ। तो ED तो ED तो इसका मतलब है कि आपका हुआ ना इसका मतलब आपका spelling का मसला नहीं था आपने ब्लंडर किया ब्लैंक छोड़ क्यों रहे हैं नहीं, नहीं वो मैम क्या करेगा सुना ही नहीं देता है क्या नहीं नहीं आपने कान कभी, -कभी तो। आपने कान उसकी तरफ लगाना है आपने साथ साथ फिंगर रखनी है फॉलो करते जाना है लेक्चर को और आपने बड़ा गौर से सुनना है कभी कभी क्या होता है वो आवाज में कुछ प्रॉब्लम है कभी वो स्पीड में वो बोलता है कुछ लेडीज का आवाज आता है तो पता नहीं चलता है क्या लेकिन मैं ट्राई करूंगा नहीं आप देखो कोशिश के सिवा तो काम नहीं होगा ना मैं आपको दस लेक्चर भी दे दूंगी आखिर में परफॉर्म तो आपने करना है न तो वहां पे ऐसा में थोड़ा सा इजी होता है वहां पे इतने ज्यादा ब्लैंक्स नहीं होते वहां पे दो तीन ही होते हैं और अभी मेरे टाइम में वो ये हुआ था अच्छी गुड न्यूज ये थी आई डोंट नो अभी भी है कि उन्होंने क्या किया था क्योंकि स्पीकिंग में चार सवाल ऐड कर दिए ना तो लिस्निंग में उन्होंने चार सवाल कम कर दिए तो पहले ब्लैंक्स लिस्टिंग चार आते थे मेरे टाइम में तीन आए थे और पहले वो राइट फ्रॉम okay, डिक्टेशन चार आते थे मेरे टाइम में तीन आए थे तो चार सवाल उन्होंने जो कम किए हैं ना पहले में में सवाल होते थे मेरे टाइम ग्यारह आए थे तो चार सवाल उन्होंने से कम करके स्पीकिंग में ऐड कर दिए तो ये थोड़ा एक बेनिफिट है बाकी लोगों से भी पूछिएगा जिन्होंने बाद में दिया कि उनके लिस्निंग के कितने सवाल आ रहे हैं अपने इर्द गिर्द गिर्द पूछना तो उस पर थोड़ा एक बेनिफिट था कि यहाँ पे थोड़ा चांस मिला मुझे कि मेरे मार्क्स वो वहां से बच गए थे

उसका तो आपने एक बार वो लेक्चर में किसी को पढ़ाया था ना तो मैंने वो YouTube पे लेक्चर देखा था हां आपने बताया था कि सबसे बड़ा जो ऑप्शन होगा वही सिलेक्ट करना है कभी हाँ। पैराग्राफ को पूरा पढ़ना नहीं है हाँ बिल्कुल अच्छा और मल्टीपल चॉइस मल्टीपल में भी आपको सिंगल ही चॉइस करना है जो आपको लगता है कि 100% आपको आता है तो क्योंकि वो दो दो तीन आप सिलेक्ट करोगे तो मार्क्स आपका कट हो जाएगा से बोला था हाँ वो रीडिंग के लिए था लिसनिंग का एक और तरीका भी है कोई एक खोलो मैं बताती हूँ वो रीडिंग का था लिसनिंग का बताऊ एक और तरीका भी है और मैंने ना? ये यूज किया है और मुझे बड़ा उसका फायदा हुआ देखो हाँ अच्छा देखो जब ये लेक्चर दे रहा है ना आप वो लेक्चर लिखो जब वो बोल रहा है ना वो लिखते जाओ ब्रेफ हैंड में जो भी ये लिखते जाओ जब आप लिख रहे होते हो ना सुनते भी जाओ लिखते भी जाओ तो आपके माइंड में एक पूरी समरी बैठ जाती है कि जी वो किस चीज के बारे में बात करना चाह रहा है पूरा लेक्चर रहे मैम हाँ पूरा लिख लो पूरा लिख लो आपके पास कॉपी है आप जो बोल रहा है वो लिखते जाओ, लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ तो उससे क्या होता है कि आपके माइंड में एक कहानी बैठ जाती है कि जी वो कहानी किस चीज के बारे में थी क्योंकि जब आप सुन रहे होते हो कहानी भूल जाते हो हमारे लोगों को मैंने अभी भी ग्रुप में यही बार बार कह रही हूँ अच्छा करना है तो लिखो क्योंकि लिखेंगे तो आपके सामने होगा आपको सामने आपको सामने आइडिया मिल जाएगा अब हम जब मेमोरी से याद रखने की कोशिश करते हैं तो हमारी मेमोरी मसला ये आधी बात याद रहती है आधी भूल जाती है तो जब ये लेक्चर बोल रहा है ना इसको प्ले करो हाँ तो जैसे जैसे ये बोल रहा है वैसे वैसे लिखते जाओ आपकी राइटिंग थोड़ी रफ हो जाएगी मुझे नहीं सुनाई दे रही आपकी राइटिंग थोड़ी okay. रफ हो जाएगी कोई बात नहीं मगर लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ उससे क्या होता है आपके आ, हाथ को कुछ कर, याद रह जाता है कुछ आपके ब्रेन को याद रह जाता है और फिर इनमें okay. से चूज कर लिया अगर अब ये देखें ये जो है ना ये सारे लेंथ में एक ही जितने हैं तो इसमें okay. ये होता है कि जी जब आप लिख रहे हो गए ना तो जब आप ऑप्शन पढ़ोगे तो आपके माइंड को याद आ जाएगा कि जी इनमें से मैंने कोई एक बात लिखी थी आप उसको दोबारा पढ़ने नहीं बैठना जो आपने लिखा है नहीं उसको पढ़ो नहीं कभी कभी मैम क्या है कि मल्टीपल चॉइस चॉइस मल्टीपल मल्टीपल सिंगल में भी हम क्या करते है? तो दिखता है ना तो जो हमने सुना है वो तो में भी आता है और डी में भी होता है सी में भी होता है तो हाँ मगर वो इसलिए होता है होता है क्योंकि उसमें ही लिखने से क्या होता है कि लेक्चर बहुत बड़ा है ना तो चार पांच कीवर्ड्स कोई एक कीवर्ड होगा जो सारे जुमलों में होता है मगर आपको एक कीवर्ड तो नहीं फॉलो करना ना अपने चार पांच कीवर्ड्स होते हैं तो वो चार पांच कीवर्ड जब आप लिख रहे होगे ना तो आपको पता कहानी समझ आ जाएगी कि जिस किस किस चीज के बारे में थी तो आप जब जुमले पढ़ेंगे ना तो आपको होगा अच्छा ये वाली बात ज्यादा बोली गई थी वो आपके लिए समझ आ okay. जाएगी उसको लिखा करे okay. अगर आपको लग रहा है आपकी अब भर जा रही है भरी जा रही है तो मैंने क्या किया था एक प्लास्टिक की फाइल ली थी उसके अंदर व्हाइट पेपर डाल दिया था और बोर्ड मार्कर था तो मैं जब कर लेती थी उसको मिटा देती थी ताकि बार -बार ना पड़े ये मेरे पापा ने तो किलो थे दी है मेरे को <laughs> बेचारे तो, आप... तो, हो तो मैं आप, आप ऐसा करोगे ना लिखोगे ना साथ में ठीक हाँ, है गुड है हाँ, और दूसरा so, somebody... इसमें इस क्या करने का इसमें भी लिखोगे इसमें भी लिखो इसमें भी लिखो। हाँ लिखो लिखोगे ना आपको कहानी याद रह जाएगी के जी, आप देखो इतना बढ़िया अच्छा इसमें भी एक एक तरीका यह है कि सबसे बड़ा जुमला कौन सा है ठीक है मेरे ख्याल से नहीं आ, देखो बी और डी ना ऑलमोस्ट सेम साइज के हैं बी और डी ठीक है तो जब आप लिखोगे ना आप लिख लोगे तो आपको जो है वो बहुत से अल्फाज आपके दिमाग में बैठ जाएंगे तो जब आप 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 बी और डी है तो आप बी भी पढ़ोगे एक दफा और एक दफा डी भी पढ़ोगे तो आपको फिर समझने में आसानी होगी कि मुझे ये वाला ठीक लग रहा है इसका मीनिंग तो ये है कि पूरा लेक्चर सुनने के बाद आपको यह तय करना है कि बेस्ट रिलेटेड रिकॉर्डिंग के रिलेटेड कौन सा है हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है तो जब आप सुन रहे हो ना तो साथ साथ लिखते जाओ साथ साथ लिखते जाओ ओके ऐसा कुछ पूरा लिखता पूरा लिख लो लेक्चर बस लिख लो लिख लो रफ 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 रफ, 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 रफ बातें लिख लो ओके मैम और दूसरा सिलेक्ट मिसिंग वर्ड हाँ सिलेक्ट मिसिंग वर्ड हाँ, में गया लिखना गया। नहीं है सिलेक्ट मिसिंग वर्ड में क्या लिखना है मैं आपको बताती हूँ जैसे हाँ? सिलेक्ट एक खोलो आप लेक्चर को पूरा सुनते जाओ सिर्फ सुनो सुनो आगे आपको पता चले कि कहानी किस चीज के बारे में बात हो रही है नेगेटिविटी के बारे में बात हो रही है गुड के बारे में बात हो रही है पॉजिटिविटी के बारे में बात हो रही है या प्योरिटी के बारे में बात हो रही है ठीक है तो इसमें क्या इसमें भी ये ट्रिक काम आती है कि जो सबसे बड़ा वाला आंसर है बट सबसे बड़ा वाला आंसर यहाँ सारे एक जीते क्योंकि सब आंसर एक ही वर्ड के क्योंकि मिसिंग वर्ड कह रहा है अच्छा क्या होता है जब वो लेक्चर बिल्कुल ये देखे ये लेक्चर है थर्टी सेवन सेकेंड का वो आप सुनते जाओ okay. सुनते जाओ सुनते सुनते जब बिल्कुल आखिर में एंड आने लगे ना तो आखिर के जो वो तीन लव्ज बोलता है ना वो लिख लो वो इसलिए क्योंकि तीन लव्ज बोलेगा ना तो फिर ग्रामेटिकली आपको सेंस बनेगा कि कौन सा इन तीनों के साथ जो है वो ग्रामेटिकली सूट कर रहा है फिट कर रहा है फिट हो रहा है जैसे okay. आखिर के तीन लव्ज बोलता है ना तो आखिर के तीन लव्ज से आपको पता चलेगा कि उसका आंसर नेगेटिविटी मैच हो रहा है या गुड मैच हो रहा है या पॉजिटिविटी मैच हो रहा है या प्योरिटी मैच हो रहा है पूरा लेक्चर सिर्फ सुन लो लिखो नहीं आखिर का जब वो लेक्चर खत्म होने लगता है तो आखिरी के तीन वर्ड्स तो बीप बोलने से पहले से हाँ बीप बोलने से तीन लफ्ज पहले जो है ना वो लिख लो क्योंकि ये जब प्ले करो इसको जब आप प्ले करो प्ले करो हाँ और ये जो हाँ ये बात चल रही है तो जब वो बिल्कुल आखिर के करीब आने लगे ना तो आप समझ जाओ कि आप, 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 आपने कोई लफ्ज लिखने हाँ आप उसने कुछ बोला है मुझे आवाज नहीं that आ रही इवन दैट इज इवन इतना बोल रहा है हाँ अब इवन प्योरिटी होगा इवन पॉजिटिविटी होगा इवन गुड होगा या इवन नेगेटिविटी होगा ये तीन लग, आ, आखर के ये तीन आपने एक बताया कोई तीन बताते हैं ना मुझे दोबारा पीछे थोड़ा सा पीछे और करो कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या, क्या?

अपडेट आया है आ, मैं साथ में डीएमएल करता था साथ साथ मैंने मेरी कॉलेज कंप्लीट की बाद में मैं लेब टेक्नीशियन का मैंने स्टार्ट किया तो मैं डेट फाइनल कर रहा था ये पीटी की ट्वेंटी फाइव जनवरी तो ये वो सेमेस्टर वन की एग्जाम डीएमएल की भी ट्वेंटी फाइव जनवरी को आ गया क्या करें मेरे दोनों दोनों साथ साथ हो रहे हैं नहीं नहीं हो जाएगा अच्छा और और क्या पूछना है और पुतने का तो इसमें प्रॉब्लम था वो हो गया इसमें सब सारा लगता है और मैंने देखो मैं आपको राइट फ्रॉम डिक्टेशन मेरा बताता हूँ पहले मेरे मेरे को कुछ नहीं पता चलता था इसमें क्या करें क्या लास्ट में धीरे धीरे अपना राइट फ्रॉम डिक्टेशन दिखाओ एक ये देखो हैं ये तो अच्छा स्कोर है अच्छा है ये अच्छा है 7 आउट ऑफ इलेवन बुरा तो नहीं है नहीं नहीं मैं क्या कर देखो इसमें ना इसमें फिर मैं आपको यही कहूंगी आप जो बोल रहा है ना उसके इनिशियल्स लिख लो इनिशियल्स मींस कैपिटल फर्स्ट लेटर तो उससे क्या होगा कि आपको थोड़ा सा याद रह जाएगा और उसमें और और दूसरी बात आपको नहीं पता कि वो सिंगुलर है या है तो दोनों लिख लो यार जैसे स्किल्स स्किल skill भी लिख लो और स्किल्स भी लिख लो इंक्लूड्स लिख लो तो इंक्लूड भी लिख लो तो इंक्लूडेड भी लिख लो तो लिखने में कोई डेवलपिंग या डेवलपमेंट जैसे उसने लिखा है ना योर ट्रेनिंग इंक्लूड्स अगर आपको नहीं सुनाई दिया कि उसने इंक्लूड कहा या इंक्लूडिंग इंक्लूड्स कहा आप दोनों लिख दो फिर उसने स्किल कहा था या स्किल्स कहा था तो दोनों लिख लो इन कम्युनिकेशन आंसर के अंदर मैं दोनों लिख सकता हूँ हाँ, लिख सकते हो आप प्रॉब्लम भी लिखो प्रॉब्लम भी लिख दो क्योंकि आपको नहीं okay. पता था कि उसने प्रॉब्लम कहा था या प्रॉब्लम कहा था तो जब ये okay. लिख रहे होते हो ना इनिशियल्स तो उसके आगे एस लिख दो आ, ताकि आपको याद रहे कि उसने प्रॉब्लम अगर उसने फॉर एग्जांपल इंक्लूड्स बोला है ना तो आप इनिशियल कैपिटल आई लिखा हुआ है उसके साथ छोटा सा एस लिख दो ताकि आपको याद रहे कि इंक्लूड्स है अगर नहीं याद रहा तो

थोड़ी और यहां यहां आपने क्या मिस्टेक की है लिखा ही नहीं इसकी मिस्टेक क्या है आपने स्कॉलर्स हैव रिक्वायर्ड ये लिखा ही नहीं स्कॉलर असल में ये ना ये जो लिखा है ना देखा हैज रिक्वायर्ड स्कॉलर तो ये आपने जल्दी मैं ना स्पेलिंग्स भी मिस्टेक जल्दी की भी वजह से मिस्टेक्स लिख रहे और आपने यूजफुल वर्ड लिखा नहीं है हां मैम तो आप पूरा नहीं लिखो ना आप इनिशियल्स लिखो. लिखो और दिमाग में रिपीट करते जाओ बार बार तो आपने अगर यू लिखा लिखा हुआ होता होता ना तो आपको याद हो होता कि उसने यू, useful word लिखा था तो आप initials, initials हर वर्ड का पहला पहला वर्ड लिखते हैं. वो कैपिटल में लिखो अपने पास और साथ साथ दिमाग में बार बार बोलते भी जाओ सिर्फ लिखो नहीं बोलते भी जाओ सेंटेंस है ना हाँ रिपीट रिपीट सेंटेंस सेंटेंस में 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 भी यही करना है 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 आपने लिखना है। मैं ग्रुप बार बार ये लोगों को कह रही तो तो लिखो तो कोई आ जाता कहता लिखने की ज़रूरत नहीं नहीं अब उसने खुद ने टेस्ट दिया नहीं है। देखो कभी कभी पढ़ो उसको आते, आते, एक एक -एक एक दिखा फिफ्टी वाला ही दिखा दो ये नहीं क्लिक ऑन स्कोर पे दबाओ क्लिक स्कोर इनको हाँ जो दो सब दो तीन तीन ही अच्छे हाँ तो आप लिख रहे हो मुझे ये बताओ लिखते हो हाँ मैं लिखता हूँ लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो बोल लेता है और लिख लेता हूँ उसके अंदर दो, दो ती, तीन सेकंड जैसा हो जाए फिर मैं स्पीड में बोल जाता हूँ कोई में बहुत प्रॉब्लम देखो अगर वो ना आपके मैं जब लिख रही होती थी तो क्या होता था कि वो टाइमर शुरू हो जाता था और मैं लिख रही होती थी तो तीन सेकंड आप के बाद आप बोल सकते हो तो स्पीड में क्यों बोलना है नॉर्मली बोलो कॉन्फिडेंस के साथ बोलो अपना ये प्ले करो ये प्ले करो अपनी हाँ आवाज नहीं आ रही भी बोला था सब भी बोला लेकिन मेरा तीन सही भी, भी।

तो इनिशियल से आपको हेल्प मिल जाएगी जैसे आई लिखा हुआ है अगर फॉर एग्जाम्पल उसने कहा है नीचे है जुमला है नीचे हैं। अब ये जुमला था अ मॉडरेट अर्थक्वेक को द यूनाइटेड स्टेट्स अर्ली ऑन सैटरडे तो अ का आप ए लिख लो मॉडरेट का एम लिख लो अर्थक्वेक का ई e, लिख लो एस स्ट्रक का एस तो आपको और साथ साथ बोलते भी जाओ तो आपको याद होगा और इस तरह ये भी होगा कि पता चलेगा पहला अल्फाज उसने के S, कौन सा दिखा था दूसरा अब हम अगर सुन के लिखते तो हम क्या करते हैं अल्फाज आगे पीछे लिख देते हैं तो ये थोड़ी साथ में लिख के बोलने वाली प्रैक्टिस ना कोई बड़ा मसला नहीं है कोई ऐसा मसला नहीं है जो हल ना हो तो लोग ग्रुप में बार बार कहते कोई लिखने की जरूरत नहीं है लिखने की जरूरत नहीं है लिखने से क्या होगा आपको पता चलेगा पहला अल्फाज उसने ये बोला था दूसरा ये बोला था तीसरा ये बोला था मैंने तो ग्रुप की नोटिफिकेशन बन गया आपका मैसेज आता है ग्रुप में वो दूसरा किसी का भी नहीं है सही वो असल में मसला नहीं है मसला ये है कि उन्होंने खुद टेस्ट नहीं दिए हुए ना

मगर ये कि बड़े भी तो आते हैं ना तो अब हम अवॉइड नहीं या फिर जो बड़े हैं वो आप आधे आधे बोलो आधे नहीं मतलब अगर उसमें इलेवन लेटर्स है तो आप एट लेटर्स बोल दो ओके okay, मैम हाँ और दूसरा मोबाइल दूसरा मोबाइल दूसरा, दूसरा वही है कि मैं मैं प्रैक्टिस सेक्शन वाइज टेस्ट दो से करूं के फुल टेस्ट मॉक टेस्ट देके अब आपके अगर चारों प्रैक्टिस हो गए ना अब आप फुल करो और फुल में भी देखो अगर आप दो घंटे बैठ नहीं सकते ना कोई बात है, अगर आपको बीच में उठ के जाना फुलता हूँ बोला कि तू ऐसा मत कर मैं दिन में दो मॉक देता था और मार्क नहीं आ रहा देख अभी आपका कॉन्फिडेंस आ गया है नार्क्स रीडिंग में और राइटिंग में मस्त है तो राइटिंग अभी पता चल गया कि अभी 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 एक और में में आ आ हाँ, भी चल... हाँ, अब अब आप देखिए आपने चारों मॉड्यूल प्रैक्टिस कर लिया है, है अब आप फुल मोक देना शुरू कर देखिए मेरा भी ऐसा ही था मेरे पहले सिक्सटी आते थे फिर आहिस्ता क्यों? हर टेस्ट दूसरे टेस्ट से ना मुश्किल है तो हर टेस्ट में आप कोई ना कोई नई चीज सीखते हो तो आपने दो टेस्ट दिया नई चीज तो वो, वो okay. आ रही होगी तो वो एक एक करके आपके यानी कि आज अगर आपके सिक्सटी आ रहे ना तो कल आपका सिक्सटी वन आएगा परसों फिर सिक्सटी थ्री आएगा फिर सिक्सटी फोर आएगा आज तक क्या हुआ तो उसमें

आप इसको कैसे ओके पढ़ोगे बताओ मैं स्टार्ट नहीं करता हूँ लेकिन आपको सुनाता हूँ हाँ हाँ द गिवन इमेज गिव द इन्फॉर्मेशन अबाउट अ किचन इट इज वेरी ब्यूटीफुल इमेज एंड आई हैव टू स्पीक फॉर फोर्टी सेकंड्स अबाउट दिस इमेज देयर आर डिफरेंट एलिमेंट द इमेज टेबल चेयर फ्रिज माइक्रोवेव ओवन गैस आई कैन ऑल्सो सी अ चेयर कपबोर्ड क्या कहते हैं पानी का वॉटर <laughs> बेसन

अब आप इसमें आपने ना उसमें पढ़ने में कुछ मिस्टेक्स किए मैं नहीं बताती हूँ बंद कर दो इसको ओके बंद कर देखो आप जो भी कर लो ना ये जो लिखा हुआ है ना ये पढ़ो एक दफा ये रीड करो एक दफा देखिए जब आप डिस्क्राइब इमेज कर लो उसके नीचे उसने जो जो उसने एक्सप्लेन किया है ना उसको एक दफा पढ़ो तो आपको समझ आएगी कि इसको बोलते कैसे ये पढ़ो ये पैराग्राफ पूरा फॉलोइंग ग्राफ्स The following graph given information about a uh, kitchen. This is very beautiful picture and it show a number of things according to this graph. In the central area, there are a square table with four chairs, the color of its green. You can see, you can see from this graph that that is right area. There is a refrigerator, the color of it is white. You can see from this graph that in the background, there are some cupboard. the color of those are pink.

जब आप आपको जो जो नजर आ रहा है वो लिख लें बताऊंगे तो आप आंखों से इधर रहे थे। तो ढूंढने में आपका टाइम कह रहे थे अच्छा इसको क्या कहते हैं वो टब तो तस्वीर है तस्वीर आ रही है आप क्या लिख लो फ्रिज स्टव अः ओवन टेबल चेयर कैबिनेट विंडो फ्लोर ये चार पांच आप कोशिश करो सात लेटर्स वर्ड्स लिख लो लिख लो okay. आपको प्रिपेरेशन का टाइम दिया हुआ है तो आप आप साथ में जैसे तो लाउडली बोल के प्रिपेयर करो क्या -क्या ना तो उनको पढ़ो कि अच्छा आई कैन सी फ्रिज टेबल चेयर आई कैन ऑल्सो सी तो दो आई कैन सी फिर दो चीजें बोलो फिर आई कैन सी फिर दो चीजें बोलो आप बोल रहे थे, थे न, तो बीच में आप जो टेबल चेयर वो तो वो क्या हो रहा है कि कीवर्ड्स बोल रहे हो सेंटेंस नहीं बोल रहे हो अगर आप बोलोगे okay. ना ओके आई कैन सी टेबल एंड चेयर आई कैन ऑल्सो सी फ्रिज एंड स्टफ तो आई कैन सी और दो चीजें बोलो फिर बोलो आई कैन सी फिर दो ताकि इस तरह ना जुमला बन जाए आप जिस तरह पढ़ रहे थे okay. ना फ्रिज टीवी फ्रिज स्टफ टेबल तो ये क्या जुमला नहीं बन रहा है ये की बन रहा है ओके ठीक है मैम ओके और मैंने टेम्पलेट यूज किया है उसकी कोई जरूरत है कि नहीं टेम्पलेट कर सकते हो मगर अगर देखो अगर

Uh, कोई ऐसी चीज है जहाँ पे देखो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ था ना वहां बोल कोई ऐसी तस्वीर है जिसमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दी हुई है ना वहां पे कोशिश करो कि जो तस्वीर के अंदर बोला हुआ है वो बोलो और टेम्पलेट छोटा कर दो देखो okay. एक तस्वीर ऐसी आएगी जिसपे कुछ नहीं लिखा हुआ होगा ठीक है उस उसपे आपने जो जो नजर आ रहा है वो बोलो और टेम्पलेट अपना पढ़ो फिर दूसरी तस्वीर आएगी जिसमें थोड़ा सा लिखा होगा तो थोड़ा वो आप पढ़ो और थोड़ा सा अपना टेम्पलेट इस्तेमाल करो और थोड़ा सा उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो उसके अंदर फिट करके बोलने की कोशिश करो फिर एक तस्वीर आएगी जिसके अंदर बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन दी हुई होगी तो आप अपना टेम्पलेट छोटा कर दो और उसके अंदर जो भी लिखा हुआ है वो पढ़ दो पूरा ओके अब तो कोई दिक्कत नहीं है होगी ठीक है आप ये प्रैक्टिस करो ये सेशन भी वैसे एंड हो रहा है तो मैंने आपको पहले फोर्टी मिनट्स का दे दिया था और ये मैंने थर्टी मिनट्स का बना लिया था तो मैंने आपको एक्स्ट्रा दे दिया था ठीक है है तो, गे, तो, गे, तो गे. फिर आप जो है, आप भी आप जो भी एक स्पीकिंग करो और फिर आ, कल से जो है ना वो फुल मॉक देना शुरू कर दो अब आप ना आपके पास इतना टाइम नहीं है अब आप सारे फुल फुल मॉक्स दो और मुझे फिर दिखाना और मैं आपके फुल फुल मॉक को देख के ना आपकी गलतियां पकड़ूंगी ठीक है ओके ओके मैम क्योंकि जब आप

वो यूज करो okay. और पांच फ्रेजेस जो बोलता है ना वो लिखो ऐसे करो ओके ओके यस एसटी जैसा मैं इसमें भी हां एसएसटी के बस एसएसटी में टाइप करना होता है उसमें आपने बोलना होता है ओके okay, कोई बात नहीं ओके थैंक यू तो इस तरह क्या होगा इसलिए मैंने ये कहा था एक ही टेंपलेट मैं बार-बार लोगों को कहती हूं एक ही टेंपलेट दोनों के लिए यूज कर लो ताकि आपको दो अलग चीजें याद ना करनी पड़े देखे, आपका देखे तो डेली देखता था लेकिन मुझे पता ही नहीं चलता इसमें क्या करना है कैसे वो मैंने इसने मैंने कहा था कि पहले भले ही अपनी स्पीकिंग ठीक कर ले देखिए स्पीकिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जैसे देखो कोई आपके सामने कोई इंसान आता है ना जब आप उसको देखते हो तो आप उसके बारे में राय बना लेते हो कि वो कैसा इंसान स्पीकिंग भी ऐसा है द मिनट आप वो पैराग्राफ पढ़ते हो कंप्यूटर आपके बारे में ओपिनियन बना लेगा कि इसकी अंग्रेजी कैसी है तो स्पीकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है रीड अलाउड आपका जितना अच्छा होगा उतना क्या होगा कंप्यूटर आपके बारे में मार्क्स बना लेगा फिर वो ऊपर नीचे या ऐड करता जाएगा या मार्क्स काटता जाएगा तो पहली चीज स्पीकिंग आप तो, जैसे ही मुंह खोलोगे बोलना शुरू करोगे वो आपके बारे में एक ओपिनियन माइंडसेट बना लेगा कि जी विवेक की अंग्रेजी ऐसी है ठीक है तो स्पीकिंग का रीड अलाउड को ठीक करना और सबसे पहले मैं आपको बार बार ये कह रही हूँ अपने डर खत्म करो ओके okay. okay, मैम कोई बात नहीं थैंक यू आपने ज्यादा टाइम दिया मैम कोई बात चलो तो मैं इसको एंड करती हूँ फिर आपको मैं दोनों रिकॉर्डिंग्स भेज दूंगी ओके okay, मैम ठीक है ओके okay. मैं एंड करूँ हाँ कर दो ठीक है आज speaking करे, कल से आपने पक्का मॉक स्टार्ट करना है अगर आपने मॉक करना शुरू नहीं किया मैं नहीं दूंगी अगर आपको बीच में के भी जाना पड़े ना वॉक में दो घंटे नहीं बैठ सकते खाना खाना या अम्मी बुला रही अबू बुला रहे काम है कोई बात नहीं बीच में छोड़ के जा सकते हो कमर की कोई बात नहीं मैं भी मैं भी खुद नहीं बैठती थी मैं नहीं बैठती थी मैं चली जाती थी क्योंकि अभी हम कोई असल एग्जाम नहीं दे रहे हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं मगर आदत डालनी okay. है ऐसे ऐसे मौके ओके ठीक ओके तो मैं ट्राई करता हूँ मोबाइल में से रिव्यू लाउड और स्पीकिंग करता हूँ हाँ 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 मोबाइल से करें मोबाइल से करें ओके ओके बाय